हेलो फ्रेंड, तो ये है डोम्स का कलर पेंसिल। तो आज मैं डोम्स का कलर पेंसिल से ही ब्यूटीफुल आई बनाने वाला हूँ, तो मेरे चैनल पे बने रहिए। तो ये तीन मोस्टली कलर को मैं लूँगा और ब्यूटीफुल आई बनाऊंगा। तो सबसे पहले स्काई ब्लू को लेना है और उसे अप्लाई करना है धीरे धीरे, स्लोली, ज़्यादा पुश करके नहीं। उसके बाद डार्क ब्लू को लेना है और डार्क ब्लू को उसके ऊपर अप्लाई करना है, स्केच करना है। उसके बाद ब्लैक पेंसिल को लेना है और बीचों बीच दिखाना है, जहाँ लाइट है उस लाइट एरिया को छोड़ देना है। फिर साइड में भी ब्लैक को हम लोग को दिखाना है, मीन्स ड्रॉ करना है। तो स्काई ब्लू, ब्लैक और डार्क ब्लू को लेके ही हमें बीच में दिखाना है, मीन्स ड्रॉ करना, अप्लाई करना है। मैं वीडियो को कुछ फास्ट कर दिया हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबा होने से लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो इसीलिए मैं बीच बीच में फास्ट किया हूँ। ये है पिंक, जहाँ वाइट एरिया उसके साइड में हल्का पिंक और स्काई ब्लू दिखाएगा। और उसके बाद ब्लैक पेंसिल, और ये है ब्राउन। स्किन टोन और स्किन कलर के लिए ब्राउन का मैं यूज कर रहा हूँ। यह है ब्लैक पेंसिल। और ये ब्राउन, देखिए डायरेक्ट जो है ब्लैक यूज नहीं करेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे, पहले ब्राउन करेंगे। ब्राउन के बाद जहाँ जहाँ डार्क एरिया है, जहाँ डार्कनेस दिख रहा है, तो वहाँ पर फिर जाके ब्लैक, पहले ब्राउन चलाने के बाद उसके बाद ब्लैक पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे तो वीडियो फास्ट है, फिर भी आप लोगों को समझ आ जाएगी। ब्राउन को भी दो भागों में चलाना है, पहले लाइट चलाना है उसके बाद डार्क चलाना है। तुरंत ही डार्क नहीं चलाएंगे, मतलब पुश करके दबा के हम लोग को स्केच ड्रो नहीं करना है। जब ये हो जाए तो ब्लैक पेंसिल से हम लोग को आई का जो हेयर होता है उसे दिखाना है, उसे शार्प करना है ब्लैक पेंसिल को, उसके बाद ना कि ऐसे ही शार्प करके। ये है 10B पेंसिल को मैंने लकड़ी पे घसा और उसके बाद ब्लेंडिंग से ले लिया उसमें डस्ट। उसके बाद आईब्रो दिखाना, आईब्रो को हम लोग डायरेक्ट ही जो है ना दिखाएंगे नहीं, सबसे पहले डस्ट से आईब्रो को दिखाना है। ब्लेंडिंग की सहायता से 10B पेंसिल का डस्ट लिए, अब देखिए ये मेरे पास है 10B पेंसिल, इसे मैंने शार्प किया और उसके बाद चलाया। ये सुपर डार्क पेंसिल, बहुत ही पतला और डार्क होता है, इसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ फिनिशिंग के समय, जहाँ जहाँ हल्के हल्के पतले पतले हेयर है उसको हम लोग को सुपर डार्क पेंसिल से दिखाएंगे। ये मार्केट में आसानी से आप लोगों को 10 रुपये में मिल जाएगा। सुपर डार्क पेंसिल से जहाँ जहाँ आप लोगों को बारीक लाइन दिखाना है ना, उस लाइन को हम लोग सुपर डार्क पेंसिल का यूज करके दिखाएंगे, हल्के हल्के धीरे धीरे। जब भी स्केच और ड्राइंग कीजिए ना, रिलैक्स होकर आराम से सारा काम निपटा लीजिए, उसके बाद कीजिए। छोटे से छोटे चीज़ को बनाने में बहुत समय लगता है, अगर आप समय नहीं दीजिएगा तो आपका स्केच, ड्राइंग, पेंटिंग ज़्यादा अच्छा दिखेगा नहीं। अगर कुछ सुझाव हो तो सुझाव ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक और कमेंट कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ख़ासकर आपके अपने घर के छोटे बच्चों को ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स कीजिएगा।